जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद का बयान आया सामने। इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश के हालात को लेकर कहा कि जैसा वहां हो रहा है वो देश में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ चीज़ें वैसे प्रसारित नहीं हो पाती हैं जैसे बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुई शेख हसीना। बांग्लादेश जुलाई में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों की लहर से हिल गया था, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय वे भारत में हैं और दूसरे देश में शरण लेने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम अटल बिहारी वाजपेयी को उदारवादी कहते हैं, असल बात यह है कि वाजपेयी और आडवाणी इन सज्जन व्यक्ति के आगमन के लिए माहौल बना रहे थे। थरूर बोले, विरोध प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोग थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वे शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से मिलने वाले पहले सांसदों में से थे और वे सिर्फ मुस्लिम नहीं थे बल्कि सभी धर्मों के लोग थे। उन्होंने कहा, पूरे देश में और मैं खुद 7 विरोध प्रदर्शनों में गया हूँ, विरोध प्रदर्शनों में सभी धर्मों के लोग रहते थे।